गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर क्लास। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 10.1। सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17। सो अवनि बाइज 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स। अब सबसे पहले तो पेविंग स्लैब्स क्या होती हैं? पेविंग स्लैब्स वो होती हैं, वो आपने टाइल देखी होंगी जो सड़कों पर लगी हुई होती हैं, वैसी टाइल्स। वो उसने अवनि ने 9 खरीदी, ईच विद अ साइड ऑफ 100 मीटर। अब ये उसने ख़रीदी और इसकी, जैसे कि ये एक है तो इसकी साइड क्या है, हाफ़ मीटर साइड है। ही लेज देम इन फ्रंट ऑफ इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। उसने इनको क्या किया, स्क्वायर में जमा दिया। देखो 9 स्लैब्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्लैब्स हैं, उसको उसने क्या किया, स्क्वायर के तरीके से जमा दिया। सो वॉट इज़ द पैरामीटर ऑफ हिस अरेंजमेंट। इसका पैरामीटर क्या निकलेगा? तो पैरामीटर इसका क्या निकलेगा, इसके जो आउटर साइड हैं उनको काउंट कर लो। आउटर साइड कितने, इनकी सारी साइड क्या है, 1.5 है, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी हो गई, 12 साइड हो गई। तो इसका पैरामीटर कैसे निकाल लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पैरामीटर हम कैसे निकालेंगे, हमने क्या आया था, 4, इसमें साइड कितनी थी, 9 साइड काउंट की, एक मिनट, 9 साइड थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साइड थी, सॉरी 9 नहीं, ये 12 साइड्स थी। और इनकी साइज़ क्या है, 1/2, मल्टीप्लाई कर दो, 12 वन ज़ा 12, डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 6 सेंटीमीटर। क्या आ गया हमारा, इसका फर्स्ट का पैरामीटर आ गया। अब आगे देखते हैं, शारी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट। शारी को पसंद नहीं आया उसने जैसे वो स्क्वायर में जमा दिया था। शी गेट्स हिम टू ले देम आउट लाइक अ क्रॉस। उसने क्या कहा, उसे उन सबको क्रॉस में जमाने को कहा। सो वॉट इज़ द पैरामीटर ऑफ हर अरेंजमेंट। तो उसका जो उसने क्रॉस में जमवाया 10.7 इस तरीके से, तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा। अब इसका अरेंजमेंट इसका पैरामीटर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसकी साइड काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितनी आई इसकी साइड, 20 साइड्स। तो लिख लो सेकंड वाले का आंसर, पैरामीटर ऑफ क्रॉस। क्रॉस का पैरामीटर क्या आया, हमारी साइड कितनी आई थी हमारी, 20, और साइड का मेजरमेंट क्या है, 1/2। तो इसको कर दो 20 मल्टीप्लाई 1 20 अपॉन में 2, मतलब कि 10 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा क्रॉस का, वो आ गया मेजरमेंट। अब नेक्स्ट है, वॉट विच हैज़ ग्रेटर पैरामीटर। तो इसमें ज़्यादा पैरामीटर किसका है, तो हमने निकाला था बड़ा पैरामीटर किसका आ रहा है, क्रॉस का। तो क्रॉस हैज़ ग्रेटर पैरामीटर, क्रॉस का पैरामीटर ज़्यादा बड़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनीत वंडर्स इफ देयर इज़ अ वे टू गेटिंग एन इवन ग्रेटर पैरामीटर। अवनीत अब सोचता है क्या कोई और तरीका भी है क्या ज़्यादा पैरामीटर लेके आने का, कैन यू फाइंड वे ऑफ डूइंग दिस, क्या आप बता सकते हो कोई तरीका। अब इसमें एक कंडीशन दे रखी है, द पेविंग स्लैब्स मस्ट मीट अलोंग कम्प्लीटली एजेस, मतलब कि जो पेविंग स्लैब्स है वो बिल्कुल एक दूसरे से चिपके होने चाहिए और टूटने नहीं चाहिए। तो इसमें जो नेक्स्ट तरीका है वो सिर्फ एक तरीका ये होता है कि उन नौ टाइल्स को हम इस तरीके से लगा दें, 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से पैरामीटर सबसे बढ़ा सकता है। तो कितना आएगा देखते हैं, पैरामीटर चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20, तो कितनी साइड आ गई, 20, और हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो 20/2 = 10 सेंटीमीटर। तो कोई भी और तरीका नहीं है 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसका पैरामीटर लेके आने का। सबसे हाईएस्ट पैरामीटर कितना आएगा इसका, 10 सेंटीमीटर ही आएगा। तो
तो ये आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हुई। अब 10.2 की हम डिटेल शुरू करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था पैरामीटर। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? इसका पैरामीटर निकालना। पैरामीटर क्या होता है? उसका सिर्फ आउटर एरिया, उसकी सिर्फ बाउंड्री किसी भी शेप की। अब आया है एरिया। एरिया क्या होता है? अब पैरामीटर में सिर्फ बाउंड्री थी, एरिया जो आता है वो होता है उसकी किस चीज़ की अंदर वाली जगह, अंदर वो चीज़ कितनी जगह घेर रही है। पैरामीटर तो क्या था? इसका सिर्फ आउटर एरिया था कि वो उसकी बाउंड्री कितनी है, और एरिया का मतलब क्या होता है कि उसकी अंदर वो चीज़ कितनी जगह घेर रही है, उसे क्या बोलते हैं? उसका एरिया। सो द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड एरिया। तो जितनी सतह है एक शेप, जो एक क्लोज फिगर होता है वो जितनी जगह घेरता है उसे क्या बोलते हैं? उसका एरिया। तो क्योंकि ये सर्किल बना तो ये अंदर वाली भी तो पूरी जगह घेरेगा, तो ये क्या हो जाएगा? इसका पूरा अंदर वाला एरिया, अंदर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? उसका एरिया हो जाएगा। तो अब इसमें एरिया के आपके एक एग्जांपल ये देखो, इसमें क्या दे रखा है आपको? इसका एरिया निकालना है इस शेप का। तो इसने कितनी जगह घेर रखी है? एक स्क्वायर कम्प्लीटली घेर रखा है, दो स्क्वायर कम्प्लीट हैं और थ्री स्क्वायर कम्प्लीट हैं। तीन स्क्वायर तो क्या हो गए? कम्प्लीट हो गए। अब इधर हाफ स्क्वायर, तीन तो कम्प्लीट स्क्वायर हो गए, और उसके बाद में 1, 2, 3 क्या हैं? हाफ हैं। थ्री कितने हैं? हाफ हैं। तो 1/2 + 1/2 + 1/2, तो इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना हुआ? 3 + 1/2 कितना हो गया? 1 + ½ रह गया, तो ये कितना हो गया? 3 + 1/4 + 1/2। तो इसका अंदर का हमें एरिया काउंट करना है कि वो अंदर कितनी जगह घेर रहा है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 10.2, फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बाय काउंटिंग द स्क्वायर। स्क्वायर काउंट करके आपको क्या निकालना है? इनका एरिया निकालना है। तो इसके स्क्वायर देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसका एरिया कितना हो गया? 9। इसका एरिया कितना हो गया? अब हमें कोई यूनिट तो दे नहीं रखी है 9, तो इस तो, और ये ध्यान रखना जो एरिया होता है हमेशा हम उसको कैसे लिखते हैं? यूनिट स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट, उसमें हमेशा स्क्वायर लगता है। इसका काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5 यूनिट स्क्वायर। इसका देखते हैं 1 और 2, 2 तो क्या है? अब इसको देखते हैं कैसे करते हैं, आपको बताते हैं। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सी। अब इसमें देखो कंप्लीट स्क्वायर तो कितने हैं? 2। कंप्लीट स्क्वायर लिख लिए हमने 2 प्लस। अब हाफ स्क्वायर कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। 4 कितने हैं? हाफ स्क्वायर हैं। 1/2 + 1/2 + 1/2 या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 2 + 4 × 1/2 ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्या निकला? 2 + 4 × 1 = 4/2, मतलब कि 2 + 2 से 4 को डिवाइड किया तो 2। इसका कितना आया आंसर? कितना आया इसका एरिया? 4 यूनिट स्क्वायर। नेक्स्ट इसमें तो कंप्लीट हैं सारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसका हो जाएगा 8। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी सारे कंप्लीट हैं, काउंट कर सकते हो आप। इसे देखें तो इसमें कंप्लीट कितने हैं? 2। तो कंप्लीट तो कितने हो गए एफ वाले में? कंप्लीट तो हो गए आपके 2। उसके बाद में हाफ कितने हैं? 1, 2, 3, 4 क्या हैं? हाफ हैं आपके। तो सेम इसका ही हो जाएगा, 2 + 4/2 या फिर 2 + 2 = 4 यूनिट स्क्वायर। तो जितना फुल है फुल काउंट कर लो, उसके बाद जितना हाफ है वो हाफ काउंट कर लो। अब फुल हाफ आपने दोनों चीज़ काउंट कर लिए, तो मोर देन हाफ जो होते हैं उनका फुल में ही काउंट करते हो, जो मोर देन हाफ होते हैं उनको क्या करते हो? फुल में काउंट करते हो, और हाफ से जो कम होते हैं उनको ज़ीरो काउंट करते हो। तो ये बाकी के सारे क्वेश्चन सेम इसी तरह से हो रहे हैं। जैसे कि अब इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं ट्राइंगल वाले में, जे में कंप्लीट कितने हैं? 1 और 2, सिर्फ 2 कंप्लीट हैं। और हाफ कितने हैं?
वन टू थ्री फोर, फोर क्या हो गए, हाफ हो गए, फोर इंटू वन बाय टू, तो सेम इसका भी इसी तरह के आंसर क्या आ जाएगा, फोर यूनिट स्क्वायर। अब इस तरह से इसमें कितने कंप्लीट हैं, वन टू थ्री फोर, फोर तो कंप्लीट हैं, और हाफ कितने हैं, दो, तो दो हाफ मिला के वन फुल हो जाता है, तो ये कितना हो गया, फाइव हो गया। अब आगे देखते हैं, ये आई वाला देखते हैं, अब ये इम्पोर्टेंट सा लग रहा है। आई वाले में क्या है, आई वाले में फुल कितने हैं, पहले फुल देखते हैं, फुल स्क्वायर कितने बन रहे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव फुल स्क्वायर मान लो, तो फुल कितने हो गए, फाइव, या फिर आप इनको अपने हिसाब से भी कर सकते हो, फाइव हमने फुल मान लिए। उसके बाद में अब हाफ, हाफ स्क्वायर कितने हैं, हाफ स्क्वायर कितने हैं, ये तो मोर देन हाफ है, ये हो गए हाफ स्क्वायर, तो हाफ कितने हैं, दो। उसके बाद मोर देन हाफ कितने हैं, मोर देन हाफ कितने हो गए हमारे, दो, दो नहीं मोर देन हाफ हो गए चार, ये दोनों और ये दोनों हमारे मोर देन हाफ हो गए, तो ये हो गए चार। और तो इनको काउंट करो, फुल वाले तो एक कंप्लीट हो जाएंगे, हाफ वाले हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और फुल वाले मोर देन हाफ भी कंप्लीट हो, सॉरी मोर देन हाफ भी टू रहेंगे, सॉरी इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ इसे। आपके फुल तो पांच हो गए कंप्लीट, उसके बाद मोर देन हाफ कितने हो गए हमारे, मोर देन हाफ में देखिए वन टू, टू हो गए हमारे मोर देन हाफ, और हाफ कितने हो गए, वन टू थ्री फोर, फोर हमारे कितने हो गए, हाफ हो गए। तो फुल को तो हम फुल काउंट करेंगे, हाफ है तो हाफ कर देंगे, और मोर देन हाफ भी हमारे फुल में काउंट होते हैं, तो अब ऐड कर देते हैं फाइव प्लस टू प्लस फोर इंटू वन बाय टू, तो ये तो हो गया सेवन, प्लस इधर कर देंगे हम फोर बाय टू, कितना हुआ सेवन प्लस टू इक्वल टू नाइन यूनिट स्क्वायर। इसी तरह से हमारे ये भी काउंट हो जाएंगे। इसमें कैसे काउंट करते हैं हम, कि कंप्लीट को तो वन वन काउंट करते हैं, जो हाफ होते हैं उनको हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब उनका हाफ कर देते हैं, जो मोर देन हाफ होते हैं उनको कंप्लीट में ही काउंट करते हैं, और जो लेस देन हाफ होते हैं उनको ज़ीरो काउंट करते हैं। तो ऐसे आपका ये इसका निकल जाएगा एरिया। अब आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूला से एरिया निकालने की, तो आपको मैं फॉर्मूले बता देती हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बहुत ईजी है, लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर दो, रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा आपका। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है, लेंथ का, सॉरी रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है देखते हैं। स्क्वायर का एरिया क्या दे रखा है, साइड इंटू साइड, मतलब कि आपको स्क्वायर की जो साइड दे रखी है उसको दो बार मल्टीप्लाई कर दो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हुआ, साइड इंटू साइड, ये आपका स्क्वायर का एरिया हो गया। तो आपके ये, अब एक चीज़ और है कि अगर आपको रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में एरिया दे रखा है, एरिया गिवन है, और लेंथ या ब्रेथ में से एक एक आपको मेजरमेंट गिवन दे रखा है, दूसरा निकालना है, मतलब क्या हो, जैसे मान लो ब्रेथ निकालनी है आपको, विड्थ अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ कर दोगे, आपकी विड्थ निकल आएगी, एरिया डिवाइड बाय लेंथ कर दोगे तो आपकी विड्थ निकल के आ जाएगी। तो इन्हीं फॉर्मूला पे हमारी 10.3 बेस्ड है, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।